पंच मंदिर में रामकथा यज्ञ समिति के द्वारा आयोजित नवाहन परायण यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पंच मंदिर से थाना रोड होते हुए गांधी चौक डालमिया कोब हटिया रोड भगत सिंह चौक होते हुए यज्ञ स्थल दुर्गा मंदिर के सामने समाप्त हुई। इस भव्य यात्रा में कलश लेकर अपने यज्ञ को पूरा करने वाली लगभग 250 महिलाएं सम्मिलित हुई। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में नगरवासी सम्मिलित हुए। जय श्री राम की नारों और ढोल नगाड़ों के बीच यह कलश यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। लोगों ने अपने घरों से निकलकर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। कलश यात्रा के साथ ही नवान परायण यज्ञ का शुभारंभ हो गया, जिसमें मंडप प्रवेश, विधि पूजन, पंचांग पूजन, ब्राह्मण वरण और फिर यज्ञ का शुभारंभ जैसे कार्यक्रम संपन्न हुए। वहीं यज्ञ के प्रारंभ होने के बाद संध्या काल 4:30 बजे से श्री राम कथा का शुभारंभ कर दिया गया। श्री धाम अयोध्या वाले कथावाचक मधुसूदन शास्त्री जी के द्वारा आज की कथा में राम कथा के श्रवण का महत्व, रामचरितमानस की विशेषताएं, राम नाम की महिमा जैसे विषयों पर बड़े ही रोचक ढंग से कथावाचक ने प्रसंग सहित व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कलयुग केवल नाम प्रभावा गोस्वामी तुलसीदास ने कलयुग में राम नाम की महिमा का गुणगान किया है और बताया कि भव सागर से पार उतारने में यही नाम सहायक सिद्ध हो सकता है। यह पावन नाम मोक्षदायक है और सभी संकट बाधाओं से उभारने वाला है। उन्होंने रामचरितमानस की सिद्ध चौपाई ओक आदि वर्णन किया और कहा कि प्रतिदिन इन चौपाइयों का स्मरण करने से बड़ा संकट भी टल जाता है और राम में हमारी आसक्ति बढ़ती है। आगे आने वाले जीवन में हमें शांति मिलती है। राम हमारे आदर्श हैं और राम के द्वारा की गई लीलाएं हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे परिवार को ऐसा सुदृढ़ बनाती है कि फिर हमारा जीवन ही सफल हो जाता है। हमें जहां अवसर मिले राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए, राम कथा का श्रवण करना चाहिए, श्री राम चरितमानस को हरि ओम सहस्रपात सहस्रपात।